वो रंगीन चूसा ही था, सुफियान लेकर आया था भाई से, तो वो बच गया माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे कि आपके भी जो कलर्ड चूज़े हैं वो बच जाएं। आप इनको लाजमी ला के दें ग्रोथ के लिए। मैं भी इनको 14 PS फीड लेकर आया हूँ इनके लिए, और वही मैं इनको डालता हूँ, और अंडों वाली मुर्गियों के लिए जो 13 नंबर फीड है। लेकिन रेगुलर नहीं, मतलब आप इन्हें घर का भी कुछ खाना दें, ये नहीं कि आप सिर्फ फीड पर रखें। बाजरा दें, मकई और मिक्स दाना वगैरह इन्हें खिलाएं, और घर की बची कुची रोटी जो भी होता है पत्ती वगैरह वो दें, उससे इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। चलें जी, अब मैं इसको अंदर करने लगा हूँ। इसको अंदर करके फिर हम चलते हैं दूसरी मुर्गियों की तरफ और बकरियों की तरफ। तो इनको ज़रा अंदर करते हुए मुझे होगी थोड़ी परेशानी, तो मोबाइल को मुझे करना पड़ेगा एक तरफ। देखते हैं, आराम से अगर तो चले गए तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आराम से चले गए, लेकिन ये आराम से जाते नहीं हैं इतना मुझे पता है। चलो भाई चलें, मुर्गी तो चढ़ गई है अंदर, अब देखते हैं इसके बच्चे कितने जाते हैं। बच्चे तो नहीं जाएंगे, बच्चे तो मुझे पकड़ने ही पड़ेंगे यार, ये तो पकड़े भी नहीं जाते जल्दी। एक पकड़ लिया है, वो गया। चलें इसको मैं थोड़ा सा दरवाजे को बंद कर दें ताकि मुर्गी वापस ना आ जाए बाहर। ये भी गया, और पकड़ते हैं, ये भी पकड़ा गया, ये सबसे बड़ा चूजा। ओहो, दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा मेरे से। ये भी गया, और अब बारी है इसकी। देखिए माशाल्लाह इनकी ताकत भी इनमें ज़्यादा आ गई है, पकड़े भी नहीं जा रहे। चलें इसको भी अंदर डाल देते हैं। चलो भाई खाना खा लो, अब जाके यहाँ पे क्या खड़ी हो गई हो। ठीक है जी, अच्छा वो किधर गया है? हाँ ये रहा आखिरी चूज़ा छोटू, ये हमारा छोटू मास्टर। ये देखिए, इसने मेरा ख्याल पानी भी ज़्यादा नहीं पिया, इसको पानी थोड़ा सा पिला दूँ ताकि पानी पी ले एक दफ़ा, फिर इसको अंदर करता हूँ। चलो भाई पी लो पानी, अच्छे से पी रहा है ये पानी। ये देखिए इसके कलर चेक कर, वो देखें बाहर आने की कोशिश कर रही है, इसको बाहर नहीं आने देना। चलो अपना खाना खाओ आराम से। ये मैंने इसको तो अंदर कर दिया, अब ये खा ले। ये देखें ये पीले पानी, फिर इसको अंदर करता हूँ। मेरा ख्याल है अब इसको मुझे अंदर कर देना चाहिए। वो देखें पता नहीं क्या खा रही है, बैठी हुई बत्तख वहाँ पर। इसको मैं दाना डाल दूँ पहले, तब तक ये पानी पी लेगा, और मैं इसको दाना भी डाल देता हूँ। बाकी बड़ी मुर्गी को तो दाना मैंने डाल दिया, उसके बच्चे खा रहे हैं खाना बैठ के। हाँ जी, मेरी मुर्गी के साथ ये वाला चूज़ा है, और जो अंदर इसके साथ है ये देखें सामने नज़र आ रहा होगा, ये दोनों सील चिक्स हैं, और ऊपर वाली मुर्गी है उसके भी दोनों चिक्स सील हैं। इसके अलावा जो ये वाली मुर्गी है इसके पास भी सील चिक्स हैं। ये देखें वो बाहर आ रही है, इसको मैं पहले बंद कर दूँ क्योंकि ये तो काम कर रही है ख़राब, बस इसने पानी पी लिया होगा काफ़ी, इसको भी अंदर रख देता हूँ। चलें जी वो भी गया अंदर, इसको हम करते हैं बंद, और फिर बत्तख को खाना डाल देता हूँ। किधर गया उसका बर्तन? ये रहा उसका बर्तन, इसमें खाना डाल देता हूँ, साथ पानी भी डाल देंगे। पानी तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए मैं इसको पानी भी साथ डाल देता हूँ। तो इनको मैं सिर्फ इसको बाजरा ही दूँगा, अंडों वाली फीड तो मैंने इसको देनी नहीं, वरना ये ना हो कि ये उड़ जाए अंडों से और अंडे देने पे आ जाए, फिर पता नहीं इसके बच्चों का क्या बनेगा। तो मैं इसको ज़्यादा सारा खाना डाल देता होता हूँ, क्योंकि उसके बच्चों ने भी, मेरा ख्याल है बाहर कोई आया है, मैं जाके देख लेता हूँ। अब्दुल्ला ही आया होगा, अच्छा आ रहा हूँ भाई, वेट करो 2 मिनट, वेट करो मैं आता हूँ। ये देखे पानी इसमें आ नहीं रहा, आ गया पानी, बत्तख के लिए रख देते हैं हम आराम से, ये खाएगी। ये देखें वो पानी पी रही है फिलहाल, खाना भी खा लेगी। मैं मुर्गियों, अब्दुल्ला वेट करो मैं आता हूँ। चलें जी मुर्गियों को तो हमने डाल दिया खाना, अच्छा मुर्गियों को तो भी डालेंगे, बाकी मुर्गियों के लिए उनको डाल दूँ। मेरा ख्याल है मैंने फीड गलत डाल दी है, मैंने तो अंडों वाली फीड मेरा ख्याल है मैंने डाल दी है इनको। इधर मैं ज़रा लगाता हूँ कैमरा 2 मिनट, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और यहाँ हम डाल देते हैं इनको फीड, और साथ हम डालते हैं इनको बाजरा। 4 बज गए हैं, ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम हो गया, तो मुझे जाना है और बच्चों को भी पढ़ाना है, तो इसलिए बस फटाफट मैं इनका कर